शिक्षकों की ओर से मैं गवर्नमेंट से एक निवेदन करना चाहती हूँ, क्योंकि शिक्षक इस राष्ट्र का निर्माता है। एक राजनेता जब राष्ट्र की सेवा करने के लिए शपथ लेता है तो उनके लिए सारी व्यवस्थाएं बाद में फ्री हो जाती है। हर प्रकार का भत्ता मिलता है, रेलवे में छूट मिलती है। मैं थोड़ा सा अपने प्रसंग से हटकर बोल रही हूँ, क्योंकि मैं शिक्षकों के लिए बहुत ज्यादा मैं कृतज्ञ हूँ, क्योंकि भारत में अगर शिक्षक ना होता तो कोई बच्चा कलेक्टर, डॉक्टर, अफसर या फिर प्रधानमंत्री नहीं बन पाता। इस देश के अंदर कलेक्टर, डॉक्टर देने वाला एक शिक्षक है, बनाने वाला एक शिक्षक है, लेकिन सबसे बड़े दुख की बात है कि उसी शिक्षक को जब अपनी बेटी की शादी करने के लिए बैंक से लोन लेकर के कर्जा करना पड़ता है, तब जाकर के पीड़ा होती है। लोन के सबसे ज्यादा फोन, मुझे सही बताइए आप लोग, लोन के सबसे ज्यादा फोन किसी राजनेता के पास नहीं जाते, कभी बड़े लोगों के पास नहीं जाते, शिक्षकों को सबसे ज्यादा लोन के फोन क्यों आते हैं? क्योंकि लोन कंपनी जानती है कि इनको रिक्वायरमेंट होगी, उनको घर बनाने के। आज इतने शिक्षक यहाँ बैठे, मैं टीवी के माध्यम से कहूंगी अगर मेरी बात ठीक लगे आपको, शिक्षकों को मकान बनाने के लिए लोन लेना पड़ता है, उनको शादी करने के लिए बेटी की लोन लेना पड़ता है, और उसके बाद भी अगर उनको स्वाभिमान के साथ जो शिक्षक नौकरी करता है 60 साल तक उसकी जो नौकरी होती है, और उसके बाद 60 साल के बाद शून्य। फिर उसके बाद मैं सरकार से आज इस मंच से निवेदन करती हूँ, जो भी इनके लिए उत्तराधिकारी है, मैं निवेदन करती हूँ कि सभी शिक्षकों के सम्मान के लिए पेंशन योजना लागू होनी चाहिए, क्योंकि इनको इन्होंने पूरी जिंदगी ये मांगेंगे नहीं कभी भी, चंदा मांग करके कोई शिक्षक कभी बेटी की शादी नहीं करता, वो लोन लेता है मकान बनाने के लिए, उसकी आधी तनख्वाह लोन में चली जाती है। मैं निवेदन करूंगी जो भी उत्तराधिकारी, मुझे नहीं पता कौन है इसके लिए, कौन इसका कारण बन सकते हैं, लेकिन मैं निवेदन करती हूँ आज शिक्षक दिवस पर कहीं ऐसा तोहफा मिल जाए, ऐसा उपहार मिल जाए मेरे शिक्षकों भाइयों को, क्योंकि मैं शिक्षक परिवार से हूँ, मेरे माता पिता गवर्नमेंट टीचर हैं, तो चलती रहती है ना बातें, तो मैं सुनती रहती हूँ, इसलिए मुझे